हेलो स्टूडेंट्स स्टूडेंट चैप्टर हम लोग कर रहे हैं डिजिलेशन और पार्टनरशिप फॉर्म और टॉपिक हमारा चल रहा है अकाउंटिंग प्रोसीजर ऑन डिजिलेशन और पार्टनरशिप फॉर्म। इस टॉपिक में मैंने आपको बताया कि हम लोग फोर मेन अकाउंट्स बना रहे होते हैं टू क्लोज द बुक ऑफ अकाउंट्स। फर्स्ट रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, देन कैश एंड बैंक। और अभी हमारा अकाउंट चल रहा है रियलाइजेशन अकाउंट। मैंने आपको बताया हुआ है कि रियलाइजेशन अकाउंट को बनाने के लिए हम सिक्स स्टेप्स में इसको प्रिपेयर करेंगे। फर्स्ट फोर स्टेप्स मैंने लास्ट टू वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है। अंडर फर्स्ट स्टेप वी ट्रांसफर द एसेट्स टू डेबिट ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट विद सम पॉइंट्स टेकन इनटू कंसीडरेशन। सेकेंड, ट्रांसफर द लाइबिलिटीज इन क्रेडिट ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, एंड बाई ट्रांसफरिंग द लाइबिलिटीज इन क्रेडिट ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट लाइबिलिटीज अकाउंट को क्लोज किया। अंडर थर्ड स्टेप रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स, एसेट्स को रियलाइज किया, देन लाइबिलिटीज को पे किया अंडर स्टेप फोर। ये फोर स्टेप्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं स्टूडेंट्स। देन नेक्स्ट टू स्टेप्स हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। कुछ और पॉइंट्स भी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लास्ट टू वीडियो से रिलेटेड कुछ मटेरियल मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ। एसेट्स को जब हमने ट्रांसफर किया इन डेबिट साइड विद देयर बुक वैल्यूज, लाइबिलिटीज को जब हमने ट्रांसफर किया तो बिकॉज क्रेडिट बैलेंस है क्रेडिट में हमने ट्रांसफर किया विद देयर बुक वैल्यू एंड ओनली लाइबिलिटीज पेबल टू थर्ड पार्टीज। एसेट्स को जब ट्रांसफर कर रहे थे तो मैंने आपको बताया कि एसेट्स कन्वर्टेबल इनटू कैश ही ट्रांसफर किए जा रहे होंगे और वो सब हमने ट्रांसफर किए। देन अंडर स्टेप नंबर थर्ड हमने एसेट्स को रियलाइज किया, चूंकि एसेट्स को डेबिट में ट्रांसफर किया हुआ था रियलाइज करेंगे, देन क्रेडिट में बाई कैश और बैंक एसेट्स रियलाइज। जिस एसेट से जितना जितना वैल्यू रियलाइज हुआ इनर कॉलम में, किसी पार्टनर ने अगर एसेट्स को लिया हो बाय बीज कैपिटल फर्नीचर बुक वैल्यू रियलाइजेबल वैल्यू। और मैंने आपको बताया कि जब एसेट्स को रियलाइज कर रहे होंगे, कुछ एसेट्स अगर क्वेश्चन साइलेंट है रिगार्डिंग रियलाइजेशन ऑफ एनी एसेट्स, हम ये अज्यूम कर चल रहे होंगे कि उस एसेट से हमें कुछ भी रियलाइज नहीं हुआ है। ओके, देन टू पे ऑफ द लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज को जब पे किया टू कैश बैंक लाइबिलिटीज पेड, जिस लाइबिलिटीज को जिस वैल्यू पर पे किया इनर कॉलम में, अगर कुछ लाइबिलिटीज को पार्टनर ने लेना एक्सेप्ट किया हो, देन एज कैपिटल मिसेज एज लोन 15,000 इस तरह से। स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने आपको बताया एक बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट हमने डिस्कस किया था कि अगर कोई लाइबिलिटीज को अगर एसेट्स देकर सेटल किया जाए तो हम उस एसेट्स को रियलाइज करने और लाइबिलिटीज को पे करने का कोई ट्रीटमेंट नहीं देंगे। बट अगर लाइबिलिटीज को पार्टली बाय गिविंग सम एसेट्स एंड पार्टली इन कैश सेटल किया जाना हो तो केवल कैश पार्ट को हम लोग रिकॉर्ड कर रहे होंगे। और मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि लोन फ्रॉम राम जो 20,000 का था पार्टली सेटल्ड बाय गिवन इन्वेस्टमेंट्स ऑफ रुपी 25,000, देन इन कैश रुपी 7,000। तो हमने जस्ट जो 7,000 कैश में पे किया हमने उसको रिकॉर्ड किया। और मैंने आपको बताया उस टाइम कि हम ये नहीं देखेंगे कि 20,000 का लोन है 25 वैल्यू बुक वैल्यू के इन्वेस्टमेंट दे रहे हैं प्लस कैश भी दे रहे हैं। जस्ट आपको ये देखना है कि जो कैश पे किया जस्ट आपको उस वैल्यू से रिकॉर्डिंग करनी है। ओके, और मैंने आपको बताया कि अगर कुछ लाइबिलिटीज को पे करने के लिए क्वेश्चन साइलेंट है तो हम ये मानकर चलते हैं कि उन लाइबिलिटीज को हमने बुक वैल्यू पर पे किया, हमने चेक किया था बीपी के बारे में क्वेश्चन साइलेंट था, बीपी को हमने पे किया एट द बुक वैल्यू।
इसी तरह से अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स हो रियलाइज करेंगे क्रेडिट में, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज हो पे करेंगे डेबिट में। ये सब चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी। अब मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ टॉपिक को, स्टेप नंबर 5, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। स्टूडेंट जब रियलाइजेशन प्रोसेस चल रही होती है तो एसेट्स को सेल करने, रियलाइज करने, लाइबिलिटीज को पे करने के रिगार्डिंग कुछ एक्सपेंस हो सकते हैं। वो जो एक्सपेंसेस होंगे वो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में रिकॉर्ड किए जा रहे होंगे। एंट्री बन जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। ओके, देन टू कैश और बैंक जो भी एक्सपेंस हुआ है। देन कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जो एक्सपेंस है वो ऑन द बिहाफ ऑफ फर्म कोई पार्टनर पे कर दे। इफ एनी पार्टनर पेड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑन बिहाफ ऑफ फर्म, देन रियलाइजेशन एक्सपेंस, चूंकि फर्म का एक्सपेंस है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। और यहाँ पर कैश बैंक की जगह पे क्या आ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल, ब्रैकेट में आप लिखेंगे एक्सपेंस जो भी है। बाय दिस रियलाइजेशन एक्सपेंसेस से रिलेटेड और कई सारे प्रॉब्लम्स हमको मिल सकते हैं कि पार्टनर्स को अपॉइंट कर दिया, ही विल लुक आफ्टर द ड्यूजिलेशन वर्क, और उसे उस काम के लिए एक स्पेशल रेमरेशन पे किया जाएगा। दैट रेमरेशन विल बी ट्रीटेड एज एक्सपेंस ऑफ रियलाइजेशन और सेम ट्रीटमेंट रहेगा। यही वाली एंट्री बन जाएगी, टू पार्टनर्स कैपिटल, ब्रैकेट में एक्सपेंस और रेमरेशन, ये अमाउंट। केवल पार्टनर का एक्सपेंस फर्म पे कर देती है ऑन द बिहाफ ऑफ पार्टनर, तो उस केस में वो जो एक्सपेंस है बिकॉज पार्टनर को बियर करना था, फर्म ने पे किया, यहाँ पे उसका कोई इफेक्ट नहीं जाएगा, कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड है। ये रियलाइजेशन एक्सपेंस से रिलेटेड काफ़ी सारी ट्रांजेक्शंस ऐसी हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट बनती हैं, और जर्नल एंट्रीज में अगर क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर ये प्राय पूछी भी जाती हैं। इन अ सेपरेट वीडियो वी विल डिस्कस सच टाइप ऑफ ट्रांजेक्शंस। ओके, देन फिफ्थ स्टेप में हमने एक्सपेंस को रिकॉर्ड किया। अंडर स्टेप नंबर 6, क्लोजिंग द रियलाइजेशन अकाउंट। अब बिकॉज सभी एसेट्स को सेल कर दिया, रियलाइज कर दिया, लाइबिलिटीज को पे कर दिया, सभी आइटम्स रिकॉर्ड हो चुके हैं, एट लास्ट हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करेंगे, और क्लोज कर कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ ऑन रियलाइजेशन हम लोग फाइंड आउट करेंगे। क्लोज करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो इनर कॉलम में लाइबिलिटीज पेड है आप उनका टोटल करें, मेन कॉलम में ट्रांसफर करिएगा। इसी तरह से जो एसेट्स रियलाइज किए गए इनर कॉलम में लिखे हैं आप उनका टोटल करें, टोटल कैरी करिएगा टू मेन कॉलम। और उसके बाद बिकॉज नॉमिनल अकाउंट आप दोनों तरफ का टोटल कर बैलेंसिंग फिगर फाइंड आउट करिएगा, और बैलेंसिंग फिगर अगर क्रेडिट एक्सीड करता है, बिकॉज नॉमिनल अकाउंट है, क्रेडिट एक्सीड करे देन इन डेबिट टू प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू ए बी सी, जो भी पार्टनर्स हैं ट्रांसफर करेंगे इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एंट्री बन जाएगी इफ क्रेडिट एक्सीड्स प्रॉफिट आएगा रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ऑन द कॉन्ट्रेरी इफ डेबिट एक्सीड्स, मैंने बताया नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट एक्सीड कर रहा है, इट मीन लॉस, लॉस है तो बाई लॉस ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू ए बी सी जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और एंट्री इफ डेबिट एक्सीड्स लॉस होगा, और लॉस कैपिटल अकाउंट के डेबिट में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। इस तरह से रियलाइजेशन अकाउंट को हम लोग क्लोज कर कितना प्रॉफिट हुआ ऑन रियलाइजेशन या कितना लॉस हुआ हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फर्स्ट अकाउंट हमारा रियलाइजेशन अकाउंट इस तरह से बनता है। स्टूडेंट रियलाइजेशन अकाउंट से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स, हालांकि मैंने सभी चीज़ें बड़े डिटेल में एक्सप्लेन की हैं, बट फिर भी कुछ पॉइंट्स को मैं और क्लियर करना चाहूँगा।
फर्स्ट ऑफ ऑल रिगार्डिंग गुडविल, स्टूडेंट्स गुडविल का ट्रीटमेंट पार्टनरशिप के अभी तक जितने भी चैप्टर्स थे सभी में हमने एक ही ट्रीटमेंट दिया. व्हेन गुडविल अपियरिंग इन बुक्स, गुडविल अपियरिंग इन बैलेंस शीट, हमने उसको राइट ऑफ किया अमंग्स ऑल पार्टनर इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. बट यहां चूंकि गुडविल लाइक टू अदर एसेट्स एक एसेट्स है, तो हम उसको रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में ट्रांसफर करेंगे लाइक टू अदर एसेट्स, और अगर वो रियलाइज होती है तो हम रियलाइजेशन के क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे, रियलाइज नहीं होती है देन नो प्रॉब्लम. तो गुडविल को बाकी चैप्टर्स की तरह से यहां पे राइट ऑफ नहीं करना है, नोटिस करिएगा, उसे ट्रांसफर करेंगे इन डेबिट ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट. देन अगर उससे कुछ भी अमाउंट रियलाइज होता है तो उसे क्रेडिट में रिकॉर्ड किया जाएगा विद रियलाइजेशन वैल्यू. ओके, सेकेंड पॉइंट स्टूडेंट, कोई भी एसेट जब हम रियलाइज कर रहे होते हैं, मान लीजिएगा फर्नीचर रियलाइज किया, बिल्डिंग रियलाइज की, बिल्डिंग रियलाइज एट रुपी 5 लाख, जर्नल एंट्री क्या बनेगी? जर्नल एंट्री जो हम लोग बना रहे होंगे वो कैश और बैंक टू रियलाइजेशन. यहां पर नोटिस करेंगे जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बिल्डिंग रियलाइज हुआ, बिल्डिंग को सेल किया, कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग. नो, नॉट बिल्डिंग. व्हाई? बिकॉज बिल्डिंग अकाउंट तो ऑलरेडी क्लोज हो चुका है. जैसे ही हमने बिल्डिंग को रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में ट्रांसफर किया, मैंने आपको बताया हुआ है बिल्डिंग अकाउंट क्लोज हो गया. इसी तरह से कोई भी एसेट्स जो हमने रियलाइजेशन में ट्रांसफर की, इमीडिएट वो अकाउंट क्लोज हो गया. तो अब बिल्डिंग को हम क्रेडिट कर ही नहीं सकते, अब रियलाइजेशन. ओके, इसी तरह से अगर किसी लायबिलिटीज को पे किया जा रहा हो, क्रेडिटर्स आर सेटल्ड एट रुपी 10,000, एंट्री क्या बनेगी? एंट्री जो बनी क्रेडिटर्स को पे किया, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक. अब यहां पर क्रेडिटर्स को पे किया तो क्रेडिटर्स नहीं आएगा. व्हाई? बिकॉज जैसे ही हमने क्रेडिटर्स को रियलाइजेशन के क्रेडिट में ट्रांसफर किया, वो अकाउंट तो क्लोज हो गया है. तो ये पॉइंट आप नोटिस करिएगा. स्टूडेंट, वर्कमैन कंपनसेशन फंड से रिलेटेड मैंने आइटम आपको बताया. वर्कमैन कंपनसेशन फंड का जो ट्रीटमेंट हम लोग देंगे, अगर वर्कमैन कंपनसेशन फंड के अगेंस्ट कोई लायबिलिटीज नहीं है, फ्री है, तो डायरेक्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा, पार्टनर्स में ट्रांसफर करेंगे इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. बट अगर वर्कमैन कंपनसेशन फंड के अगेंस्ट लायबिलिटीज है, तो जितना लायबिलिटीज है टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट ऑफ लायबिलिटीज हम रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में ट्रांसफर कर रहे होंगे, देन उसको पे करेंगे डेबिट में. बैलेंसिंग फिगर जो बैलेंस बचेगा उसको हम पार्टनर्स में ट्रांसफर करेंगे. मैं एक छोटा सा चार्ट बना के आपको ये पॉइंट क्लियर कर सकता हूं. देखिएगा, वर्कमैन कंपनसेशन फंड मान लीजिएगा 15,000 का है, लायबिलिटीज 15 15 15, फोर केसेस हमने ले लिए, लायबिलिटीज नील. क्या करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में 15, रियलाइजेशन में कितना? नील. रियलाइजेशन अकाउंट में कोई अमाउंट ट्रांसफर नहीं की जाएगी. मान लीजिएगा लायबिलिटीज है 3,000, 15 के अगेंस्ट लायबिलिटीज 3,000 है, तो 3,000 तो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट में और 9,000 पार्टनर्स, सॉरी 12,000 पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा. मान लीजिएगा लायबिलिटीज 15,000 है, तो पार्टनर्स कैपिटल में 0 और 15,000 रियलाइजेशन के क्रेडिट में ट्रांसफर किया जाएगा. और लायबिलिटीज मान लीजिएगा 18,000 है, तो पार्टनर्स कैपिटल में 0
और डायरेक्ट 15,000 रियलाइजेशन में हमने ट्रांसफर किया, पे जितना लायबिलिटीज है, यहाँ पे चूंकि लायबिलिटीज 18 है तो 18 पे किया, यहाँ पर लायबिलिटीज 15 है 15 पे किया, यहाँ पर 3000 के लायबिलिटीज थे 3 पे किया, इस तरह से। ये रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में और ये रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में, चूंकि पेमेंट किए गए हैं। तो वर्कमैन कंपनसेशन से रिलेटेड आइटम मैंने आपको बताया यहाँ पे। इसी तरह से एक आइटम मैंने बताया इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में क्या होगा, मैंने बताया कि जब हम लोग इन्वेस्टमेंट्स को डेबिट में ट्रांसफर कर रहे होंगे तो उसके अगेंस्ट जितना भी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है वो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में ट्रांसफर होगा। ये आइटम तो आप ट्रांसफर कर ही दीजिएगा। अब इन्वेस्टमेंट जितने से भी रियलाइज होते हैं, इन्वेस्टमेंट से जो भी अमाउंट रियलाइज होता है, जस्ट उस अमाउंट को आप रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में ट्रांसफर करेंगे, जितना भी अमाउंट रियलाइज होता है बाय कैश और बैंक ब्रैकेट में इन्वेस्टमेंट जितना रियलाइज हुआ। हालांकि इस क्वेश्चन में हमने इन्वेस्टमेंट्स को इन्वेस्टमेंट्स देकर लोन फ्रॉम राम को सेटल किया था तो वो प्रॉब्लम नहीं आई, बट अगर हमने कैश में रियलाइज किया हो तो जितना भी रियलाइज होता है इन्वेस्टमेंट्स का जो भी बुक वैल्यू है उससे कम भी रियलाइज हो सकता है, ज़्यादा भी, एट पार भी, तो जो भी वैल्यू रियलाइज होगा हम जस्ट वो वैल्यू रियलाइजेशन के क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से रिलेटेड एक आइटम था। स्टूडेंट एक और आइटम मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा, हालांकि हम बाद में भी उस पॉइंट को दोबारा से डिस्कस करेंगे। लोन टू पार्टनर, दो लोन होते हैं, लोन फ्रॉम पार्टनर एंड लोन टू पार्टनर। अगर पार्टनरशिप फर्म ने पार्टनर को कोई लोन दिया है तो वो लोन फर्म के लिए एसेट्स है, वो लोन फर्म के लिए एसेट्स है, और वो लोन हम डायरेक्ट कैपिटल अकाउंट के डेबिट में ट्रांसफर कर सकते हैं, बिकॉज पार्टनर से कैपिटल अकाउंट, पार्टनर से लोन की अमाउंट तो रिकवर करनी है, कैपिटल की अमाउंट पे करनी है, तो हम लोन टू पार्टनर्स को डायरेक्ट कैपिटल अकाउंट के डेबिट में ट्रांसफर कर सकते हैं। हम चाहें तो रियलाइजेशन अकाउंट के एसेट्स में ट्रांसफर करके भी उसे कैपिटल में ट्रांसफर कर सकते हैं, हम लोग डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को बाद में। तो लगभग रियलाइजेशन में जिस तरह के प्रॉब्लम्स आने हैं वो सभी पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए हैं, तो रियलाइजेशन अकाउंट आप बना सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस वीडियो इंक्लूडिंग लास्ट टू वीडियोस। ओके, आई होप आपको सभी पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। हमारा रियलाइजेशन अकाउंट मेन अकाउंट होता है क्वेश्चन में, अगर कंप्लीट क्वेश्चन आता है तो। बाकी के जो 3 अकाउंट्स हमारे हैं, पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश एंड बैंक, विल डिस्कस इन कमिंग वीडियो। ओके, थैंक यू।